में से एक कहावत कैसे बनी है या कैसे हिंदी भाषा के व्याकरण में आई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हम इस कहानी को बताने जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से कहावत क्या बनी, इसका क्या अर्थ है, और फिर इसके बाद सारा चर्चा हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। दो मित्र थे, एक सुनार और एक लोहार। दो मित्र कौन कौन थे? एक लोहार। आप जानते हैं सुनार भाई साहब सोना चांदी का है काम करते हैं, और जो लोहार है वे जो है लोहे का काम करते हैं। लोहे को काटना, पीटना, तोड़ना, तुमोड़ना, ये उनका काम होता है ना। दोनों मित्र थे, दोनों क्या थे? सुनार जी और लोहार जी दोनों आपस में लंगोटिया यार थे, एकदम घनिष्ठ मित्र थे, दोस्त थे, जिगरी दोस्त। क्या बोलते हैं? गाँव में आप देखे होंगे दो जिगरी दोस्त होते हैं, एक कहीं में खाते हैं, एक कहीं साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए मरते मिटते हैं, उन्हीं को हम लोग जिगरी दोस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ यार। उसी तरह सुनार जी और लोहार जी दोनों घनिष्ठ मित्र थे, और एक दूसरे से समय समय पर लोग हंसी मजाक भी करते थे, एक दूसरे को चिढ़ाते थे, चुटकी लेते थे, आनंद लेते थे, एक दूसरे से मित्र थे, इसलिए उनको उनका आपस में चलता था। सुनार जी सुबह उठते थे, चना खाते थे। क्या खाते थे? चना खाते थे। तो लोहार जी उसको देखते थे कुछ खा रहा है, तो उसके तरफ देखते थे, तो उसको चढ़ाने के लिए सुनार जी एक चने से खींच कर उसको मारते थे, बस तो उस चना को रोक लेता था। क्या करता था? रोक लेता था। और एक डब्बा रखा था, जार, प्लास्टिक का जार था, उसी में वो चना रख देता था। क्या करता था? फिर दूसरा दिन होता, सुनार जी फिर चना भिगो के खाते और अपने मित्र को चढ़ाने के लिए एक चना से खींच कर दो से मारते थे और उसको रोक लेता था। रोक लेने के बाद फिर उसे डिब्बे में रख देता था। कितने चना हो गए? दो। तीसरे दिन फिर वही काम, फिर चना से मारे, फिर उसको रोका, डाल दिया, तीन चना हो गए। यह काम सुनार जी रोजाना करते थे और लोहार जी इसको प्रतिदिन उसको जो कैश करते थे और डिब्बे में रख देते थे। समझ गए? धीरे धीरे चना ज्यादा हो गया। चना कितना हो गया? चना जो है चना से डिब्बा भर गया। अब लोहार जी ने उस चने को तराजू पर वेट किया, तौला। क्या किया? तौला कि कितना चना हो गया। तो उन्होंने देखा यानी तो एक किलो हो गया। कितना हो गया? एक किलो हो गया। उन्होंने बाट यानी बटखरा जो है रखा, तो उन्होंने पाया तो एक किलो हो गया। कितना हो गया? एक किलो। इसके बाद उन्होंने एक किलो का बटखरा उठाया। क्या उठाया? लोहे का बटखरा। सुनार जी रोज मारते थे, 100 बार मारते थे, और लोहार जी ने एक ही बार एक किलो का बटखरा उठाया और उसको तान के मारा, निशाना दाग किए। किसको मारा? सुनार जी को। और उनको लग गया यहाँ कनपट्टी पर, लग गया और गिर गए। गिरने के बाद मर गए। क्या हुए? मर गए।
दिया, क्या कर दिया? खारिज कर दिया कि भाई कोई गलती नहीं है, आपने रोजर मारा, उसने कहीं बार मार दिया तो आप मर गए, तो यह मुकदमा को खारिज किया जाता है और लोहारी को बाइज्जत बरी किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति बार बार धीरे धीरे मारे इस तरह पीठ पर और आप ये कई बार घमसा के मार देंगे तो उसके बराबर में हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? तो वही से एक कहावत प्रूवर, कहावत क्या बोलते हैं, प्रूवर, एक कहावत हमारे व्याकरण में जुड़ गई जिसे हम लोग कहते हैं सौ सुनार की एक लोहार की, सौ सुनार की एक लोहार की, इसका मतलब कि एक ही बार में गहरा प्रभाव दिखा देना, एक ही बार में गहरा प्रभाव। कोई बार बार आपको ठोक रहा है, आप एक ही बार में जोर से मार देंगे तो होता है ना, नहीं सौ सुनार की एक लोहार, मतलब आप लोग समझ गए? इस कहावत का मतलब यही हुआ, सौ सुनार की एक लोहार की का क्या मतलब है कि करारा जवाब दे देना, एक ही बार में करारा जवाब दे देना या गहरा प्रभाव दिखा देना, समझ गए? छोटे बच्चे आपके घर में आपको धीरे धीरे अपने छोटे हाथों से मारते हैं ना, रोकते हैं, आप उठते हैं क्रोधित हो जाते हैं, एक तो माता जोर से मार देते हैं, बच्चा रोने लगता है, यह फैसला कहाँ जाता है, मम्मी के पास जाता है, मम्मी से आप कहते हैं कि हमको कभी का मारते रहे, आप कहते हैं ना मम्मी आपको कभी से मार रहा था, हमने कई बार मार दिया, तो हमने कौन सी गलती किया, यानी आपने भी वही फार्मूला अपनाया, सौ सुना